हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के रिगार्डिंग। यस बैंक में एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है, एक नहीं एक्चुअल में दो न्यूज़ेज मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, दो तीन न्यूज़ डिस्कस करूंगा। तो जो पहला न्यूज़ डिस्कस करूंगा वो SBI के चेयरमैन कुमार साहब से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ बातचीत हुई है यस बैंक और SBI के मर्जर को लेकर। तो ये यहाँ पे आप सबको मैं बिल्कुल आपके माइंड से क्लियर करूँगा कि क्या यस बैंक और SBI का मर्जर होगा या नहीं, और होगा भी तो क्या होगा, ये भी डिस्कस करूँगा। और प्लस और भी कुछ बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यस बैंक के लिए कुछ अच्छी खबर भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन खबर को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार रिक्वेस्ट कर लेते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आ गए सीधे अपने टर्मिनल पर, और एक मिनट मैं यहाँ देख लूँ, सिल्वर में मेरा यहाँ पर ट्रेड लगा हुआ है और आप देख पा रहे हो 14,900 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। और नेचुरल गैस में भी ट्रेड है, नेचुरल गैस अभी यहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यस बैंक का भाव देखते हैं हम एक दो दिन में। मैं ये भी बनाऊंगा, हमने जैसे कह रखा था कि मैं ग्रुप बनाऊंगा टेलीग्राम में, बिल्कुल फ्री टिप्स प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादा मेरा कॉमोडिटीज में मैं काम करता हूँ, बट आप लोगों को इक्विटीज में भी मैं काम करवा दिया करूँगा। तो ओपन 13.30 रुपये का हाई है, 13.30 रुपये का ओपन और हाई सेम है, लो है 13.10 रुपये का और क्लोज है 13.15 रुपये। तो ये एक बार थोड़ा सा और नीचे आ जाए ना, मज़ा आ जाएगा। काफ़ी नीचे गया था, 338 तक गया था, मैंने कवर नहीं किया। चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे सबसे पहला न्यूज़ जो निकल कर आ रहा है, आप देखिए, कॉक्स एंड किंग्स ग्रुप एग्जीक्यूटिव अरेस्टेड इन यस बैंक लोन डिफॉल्ट। तो यस बैंक के लोन के डिफॉल्ट में कॉक्स एंड किंग्स के जो ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये अच्छा है, हो सकता है, क्या पता न्यूज़ पैसे वापस आ जाएँ यस बैंक के पास, तो वो भी ज़्यादा बहुत बढ़िया बात है। हम जो यहाँ पे खबर कवर करने वाले हैं वो है एक्सक्लूसिवली विदाउट SBI यस बैंक वुड नॉट हैव बीन सेव्ड। यहाँ पे रजनीश कुमार जी कह रहे हैं अगर SBI नहीं होता तो यस बैंक को बचा पाना तकरीबन नामुमकिन था। सिर्फ ये इन्होंने कहा है सिर्फ SBI ही नहीं, और भी सारे बैंक्स ने हेल्प किए हैं, बसरते कॉरपोरेट NPS था, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और SBI के पास इतना ज़्यादा फंड है कि वो यस बैंक को बचा लिया, और कोई होती तो शायद नहीं बचा पाती, वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है वेयर यू फोर्स टू डू इन यस बैंक रेस्क्यू। वो कह रहे हैं कि क्या आपको फोर्स किया गया था, क्या आपको जबरदस्ती किया गया था यस बैंक को बचाने के लिए। तो उन्होंने उसमें जवाब दिया दिस सिचुएशन डेवलप्ड, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में यस बैंक को बचाने के लिए SBI को ही आगे आना पड़ता। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओनली SBI हैड द बैलेंस शीट साइज एंड कैपेबिलिटी टू हैंडल इन दिस रिवाइवल। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए SBI ही था, SBI ही कर सकता था, उनका ऐसा कहना है। तो और बैंक हेल्प किया, तो कह रहा है आई एम हैप्पी दैट मेनी प्राइवेट सेक्टर बैंक पार्टिसिपेटेड टू मेक द कलेक्टिव एफर्ट। तो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया इनसे, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि कुमार जी ने कहा कि हमने जो यस बैंक में पैसा डाला है वो हमारा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो इनसे पूछा गया यू कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट, तो उससे पूछा गया क्या, रजनीश कुमार जी से पूछा गया क्या आप इस जो आपने पैसे डाले हैं यस बैंक में, जो आपने यस बैंक को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, क्या उसको आप इन्वेस्टमेंट समझते हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट है। तो कुमार जी का बयान बिल्कुल साफ था, जी बिल्कुल, कह रहा है द प्राइस विच हैव इन्वेस्टेड वी आर नॉट गोइंग टू लूज मनी। 10 रुपए के भाव में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है यस बैंक में, तो कह रहे हैं कि अब पीछे जाने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर 10 रुपए के शेयर हमने परचेज किए हैं तो पीछे जाने के लिए है नहीं, और बाकी कुछ देखे ही जाएगा। दे आर गोइंग टू गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू दैट एक्सटेंट एंड बेनिफिट दे, कह रहे हैं बेनिफिट ही मिलना है हमें, हमें लॉस इससे नहीं होगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी खबर है, मतलब हमारे लिए कितना पावरफुल और कितना मोटिवेशन से भरा है कि हम, हमें ये अश्विनी कुमार जी बता रहे हैं कि 10 रुपये में तो हमने खुद लिया है, तो जाने के लिए कुछ नहीं है बल्कि आएगा ही से पैसा। ओए ये तो ठीक है, एक मिनट यस।
अभी जैसे 13 रुपए का भाव अगर 3 रुपए और टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भैया ये जो यस बैंक है ना, इसको बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े हैंड्स आए हैं सामने, तो इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला। और एक रिपोर्ट भी यहाँ पे हम शेयर करेंगे, तो एक बार मैं वो रिपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लेता हूँ। तो एक रिपोर्ट भी यहाँ मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, जो कि यस बैंक ने डायरेक्ट अपनी एनएससी की साइट पे ऑफिशियल पे डाला हुआ था। तो ये रिपोर्ट भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, पूरा वीडियो को देखना तब एक्चुअल में समझ में आएगा कि क्या आगे हलचल बन रहा है इसका, ठीक है ना। सॉरी ये कुछ और खुल गया है, कंज्यूमर का ओपन कर लिया है, तो एक मिनट में उसको ओपन करता हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया यस बैंक का। आप देखिए 5 अक्टूबर को ये आया था और 7 तारीख है, तो इसमें मैं सोचा कि जो मैंने पहले के न्यूज़ कवर किया वो बिल्कुल लेटेस्ट है आज का ही है, तो ये भी सोचा मैं आप लोगों को बता दूं अगर शायद नहीं पता हो आपको। तो आप सबको पता है Q2 का रिजल्ट आने वाला है 30 सितंबर तक का, तो उसमें काफ़ी बढ़िया सुधार हुआ है। यहाँ पे दिखा रहे लोन्स एंड एडवांसेस में अगर देखें तो पिछला जो था 164,510 था और अभी 166,854 हो गया, ये काफ़ी बढ़िया है। और अगर हम बात करें डिपॉजिट्स के, तो आप डिपॉजिट्स अगर देखोगे तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया सुधार आया है। कासा करंट सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स में भी काफ़ी बढ़िया सुधार आया है, तो LCR भी काफ़ी सही से मेंटेन हो रहा है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो होप है कि आने वाला जो इनका रिजल्ट है Q2 का, वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, जिसे हमें प्रॉफिट निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो वैसे भी यस बैंक बहुत नीचे लेवल पे है अभी फ़िलहाल, तो यहाँ से बाइंग करके रखने वाला है। लेकिन ऐसा है कि इसमें एकदम से आप बाय करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, आपको भूलना पड़ेगा, एक बार भूल के ही आप इसमें से पैसा निकाल पाओगे। तो लास्ट न्यूज़ रह गया मर्जर का। आप सोच रहे होंगे कि मर्जर वाली बात तो की नहीं, वो मैं एंड में करना चाहता हूँ मर्जर वाला बात, तो यहाँ पे मैं मर्जर की बात आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे साफ पूछा गया है, विल SBI कंसीडर मर्जिंग यस बैंक विद इटसेल्फ इन फ्यूचर? तो डायरेक्ट उन्होंने कहा है नॉट एट ऑल। अरे मर्जर इज़ नॉट अबाउट द बैलेंस शीट, मर्जर इज़ अबाउट कल्चर। कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल बिटवीन स्टेट बैंक एंड यस बैंक। कह रहे यस बैंक और स्टेट बैंक में मर्जर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल डिफिकल्ट है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है क्योंकि ये सिर्फ बैलेंस शीट को मर्ज करने से मर्जर नहीं हो जाएगा, मर्जर है इनके कल्चर जो है बिल्कुल अलग। एक सरकारी बैंक है, एक यस बैंक अलग ही कैटेगरी में आ रहा है, तो वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मर्जर को वो नहीं कह रहे कि मर्जिंग होगी। तो ये जो अफवाहें फैल रही थी ना मर्जर मर्जर मर्जर, इसको तो बंद ही कर दीजिए। बहुत सारी मैं यूट्यूबर्स की वीडियोस देखें कि मर्ज होना है यस बैंक और SBI। मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी SBI कहाँ और यस बैंक को लेकर अपने साथ मिलाकर करेगी भी तो क्या करेगी। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था मर्जर के ऊपर, लेकिन आज जो जब खबर आया तो मैंने कहा फिर बताना तो ज़रूरी है ना, तो डाउट जो है वो तो क्लियर करना चाहिए। तो बस यही कुछ था, यही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।